हाय गाइस, स्वागत है आप सभी के आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं बताऊंगा पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनाए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स, जैसा कि फ्रेंड्स किसी बैंक में आप खाता खुलवाने जाते हैं वहाँ से आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगा जाता है, या आधार कार्ड बनाते हैं या पैन कार्ड बनाते हैं वहाँ से आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगा जाता है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप छोटी रिक्वेस्ट, अभी पसंद लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करेंगे और प्रेस करेंगे ताकि यूट्यूब साइज से रिलेटेड वीडियो आपको चंद मिलेगी। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाया है, यहाँ से मैं दिखला देता हूँ पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इस तरह का पासपोर्ट साइज फ़ोटो मैं आपको बना के दिखलाऊंगा। चलिए यहाँ से हमको प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर जैसे ओपन करेंगे इसमें आपको टाइप करना है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, लिख के आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे फर्स्ट में इसका लिंक करेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, इसको पहले से मैंने इंस्टॉल कर रखा, चलिए ऐसे मैं ओपन कर लेता हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लेगा। ओपन करेंगे तो इस तरह का पेज खुलकर आपको, इससे पहले आपको गेट स्टार्टअप से क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज खुल आएगा। अब यहाँ आपको न्यू फ़ोटो पर क्लिक करना है। न्यू फ़ोटो पर जैसे क्लिक करें यहाँ पर पूरी लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पर आपको यहाँ पर इंडिया पासपोर्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर 3000 DPI सेलेक्ट करना, ओके करना। अब यहाँ आपको यहाँ डायरेक्ट आप यहाँ से कैमरा से फ़ोटो लेकर बना सकते हो या गैलरी से फ़ोटो लेकर बना सकते हो। चलिए मैं से गैलरी पे क्लिक करता हूँ। गैलरी पे जैसे क्लिक है इसको मैं ऊपर की साइड यहाँ पे ले जा रहा हूँ। यह फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे स्टार्ट एडिटिंग पे क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक आप अपनी फ़ोटो को यहाँ पर यह कट का ऑप्शन, यहाँ से आपको कट कर देना। यहाँ से अपने फ़ोटो को रोटेट भी कर सकते हो। अब यहाँ पर अपने फ़ोटो को एक साइड से दूसरे साइड कर सकते हो। अब यहाँ मेरा फ़ोटो थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, यहाँ से मैं चलिए सीधा कर लेता हूँ। यहाँ से फ़ोटो यहाँ से मैं ले लिया हूँ, 1.0 ले लिया हूँ। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक किया आपको यहाँ पे अपना साइज कर लेना, कितना आप कितना साइज करना चाहते हो वो साइज आपको यहाँ पे कर लेना। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना। कॉपी पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे फ़ोटो का पूरा कलर रहेगा, मैं यही कलर यहाँ पे रहने देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे को चेंज पे क्लिक करना। चेंज पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ये कट का ऑप्शन यहाँ पे कट कर देना। अपने फोन से यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग चल रहा है, इसको टाइमिंग लेने देता हूँ। सबसे पहले आप लोग को अपने मोबाइल को उल्टा करते हुए जमीन पर रख देना है एंड जो मॉडल। अब यहाँ पे आपको कलर चेंज करना है, इस पर आपको क्लिक करना। देखिए यहाँ पे इस कलर आ गया। अब यहाँ पे मैं यही कलर रहने देता हूँ। यहाँ पे सेव पे क्लिक करना। सेव पे जैसे क्लिक यहाँ पे पूरा टैन कर देना यहाँ पे आपको। अब मैं ये कलर यहाँ पे सिलेक्ट बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे कोई ये कलर मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पे डन पे क्लिक करना। डन पे जैसे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको स्किप पे क्लिक करना। स्किप पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे फ्रेंड्स आपको साइज भी सिलेक्ट करने का, आपको साइज डालना है 1.2 डालना है। इसके बाद आपको 1.5 डालना, वो साइज आपका हो गया। अब यहाँ पे ऐड एन, इस पर ऐड एन एडिट में क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मैं इसको ये इतना रहने देता हूँ। अब इसको ये कलर में सिलेक्ट कलर यहाँ आपको सिलेक्ट करना, ये कलर मैं यहाँ पे ले लिया हूँ। अब यहाँ पे आपको डन पे क्लिक करना। अब यहाँ पे ये पूरा मैं यहाँ पे इसको बढ़ा देता हूँ, 4.57 MB का रहने देता हूँ। यहाँ पे सेव पे क्लिक करना। सेव पे जैसे क्लिक करें या कट का ऑप्शन है, कट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। डन पे जैसे क्लिक करें या फिनिश पे क्लिक करना। फिनिश पे जैसे ये कट का ऑप्शन, यहाँ पे कट आपको कर देना है। यहाँ से कट करते हैं। अब यहाँ फिर से आपको माय फ़ोटो पे क्लिक करना। माय फ़ोटो पे जैसे क्लिक करें आपको टिक मार लगाना है। अब यहाँ पे को पे प्रिंट मल्टीपल्स कॉपी पे क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरा आपको आ जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको लेना है, यहाँ पे 6x8 इंच का ले लेना आपको यहाँ पे। चलिए यहाँ से मैं ले लेता हूँ 6x8 इंच का ले लेता हूँ। इस पर जैसे क्लिक करें यहाँ पे देखिए मेरा फ़ोटो आ गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये मेरा फ़ोटो यहाँ पे पूरा बनकर तैयार हो चुका। अब ये फ़ोटो को आप जाकर कंप्यूटर पे प्रिंट करवा कर अब ये कोई ये फ़ोटो को यूज कर सकते हैं किसी काम में। और ये फ़ोटो प्रिंट करके किसी काम में आप यूज कर सकते हो फ्रेंड। चलिए आई होप कि वीडियो आपको पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन है कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।